फ्रेंड्स वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। फ्रेंड्स यदि आप दिल्ली में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं तो उसका एक फिक्स सर्कल रेट होता है। प्रॉपर्टी किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे आपकी वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो, आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, उसका एक फिक्स सर्कल रेट होता है। सर्कल रेट से मेरा मतलब है कि एक पर्टिकुलर एक रेट फिक्स कर दिया जाता है जिससे नीचे में आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते ना ही खरीद सकते हैं। सपोज डैट यदि कोई चीज़ है वह 5 रुपये की है तो 5 रुपये से कम में आप उसको नहीं बेच सकते। आप उसको 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जितने मर्जी की बेच दीजिए, लेकिन 5 से कम नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड, उसी तरह प्रॉपर्टी का भी अलग अलग कैटेगरी वाइज और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज एक सर्कल रेट फिक्स होता है जिससे कम में आप उस प्रॉपर्टी को सेल परचेज नहीं कर सकते। आज की वीडियो में हम मेनली बात करेंगे दिल्ली के एग्रीकल्चर लैंड की। दिल्ली की एग्रीकल्चर लैंड में जो सर्कल रेट है उसको 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। 10 गुना तक सर्कल रेट में इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिली है। अब आप सोच रहे होंगे दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड है कहाँ पे, दिल्ली में खेती कहाँ पे होती है, तो एग्रीकल्चर लैंड में इतना जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है ये कहाँ पे है एग्रीकल्चर लैंड। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली के इनर सर्कल में एग्रीकल्चर लैंड आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आउटस्कर्ट्स में एग्रीकल्चर लैंड है। आप नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में जाएंगे, नॉर्थ दिल्ली में जाएंगे तो आपको एग्रीकल्चर लैंड देखने को मिलेगी। तो एग्रीकल्चर लैंड के सर्कल रेट में दिल्ली गवर्नमेंट ने बढ़ोतरी की है और ये बढ़ोतरी का एक प्रपोजल बना के दिल्ली गवर्नमेंट ने भेज दिया है एलजी के पास। एलजी की मंजूरी मिलते ही, जैसे ही एलजी इसको अप्रूव करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड के बढ़े हुए जो सर्कल रेट है वो लागू हो जाएंगे। करंट में दिल्ली की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका जो सर्कल रेट है वह है 53 लाख रुपए पर एकड़। आप दिल्ली के किसी भी एरिया में एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसकी कॉस्ट रहेगी 53 लाख रुपए पर एकड़। ठीक है, चाहे वो नॉर्थ दिल्ली हो, चाहे वो साउथ दिल्ली हो, चाहे वो ईस्ट दिल्ली हो, चाहे वो वेस्ट दिल्ली हो, कॉस्ट फ्लैट रहेगी 53 लाख रुपए पर एकड़। बट जो सर्कल रेट अभी रिवाइज हुए हैं दिल्ली में, जो एग्रीकल्चर लैंड के जो सर्कल रेट जो रिवाइज हो रहे हैं वो 15 साल बाद हो रहे हैं। इससे पहले 2008 में दिल्ली की एग्रीकल्चर लैंड के सर्कल रेट रिवाइज हुए थे। अभी जो सर्कल रेट रिवाइज हुए हैं उसमें दिल्ली के जो एग्रीकल्चर लैंड है उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यानी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया गया। किसी डिस्ट्रिक्ट में अलग रेट है, किसी डिस्ट्रिक्ट में अलग रेट है, किसी डिस्ट्रिक्ट में अलग रेट है, जो कि करंट में अभी है 53 लाख रुपये पर एकड़। आप दिल्ली की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके देख लीजिए 53 लाख रुपये पर एकड़ के हिसाब से। लेकिन अब जो प्रपोजल दिल्ली गवर्नमेंट ने बना के एलजी को भेजा है उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको कैटेगराइज किया गया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज के अलावा भी इसको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि ग्रीन बेल्ट विलेज, अर्बनाइज्ड विलेज, रूरल विलेज, तो अलग अलग कैटेगरी में इसे बांटा गया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया और सब में इसका अलग अलग रेट फिक्स किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं कि किस एरिए में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस कैटेगरी में लैंड का जो प्रपोज्ड सर्कल रेट है क्या रखा गया है। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के प्रपोज्ड सर्कल रेट है एग्रीकल्चर लैंड के। इस बार जो एग्रीकल्चर लैंड को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले क्या था, पूरी दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड का एक फिक्स रेट था। आपकी एग्रीकल्चर लैंड कहीं भी हो, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, सबका एक फिक्स रेट था, वह था 53 लाख रुपये पर एकड़। लेकिन यहाँ पे जो नए रेट फिक्स किए गए हैं उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ अलग अलग कैटेगरीज में बाइफ्रिकेट किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन बेल्ट, अर्बनाइज और रूरल। साउथ दिल्ली या फिर नई दिल्ली एरिया में यदि आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो उसकी कॉस्ट रहेगी 5 करोड़ रुपए पर एकड़। अर्बनाइज्ड की भी यही रहेगी, रूरल की भी यही रहेगी। नॉर्थ दिल्ली में यदि एग्रीकल्चर लैंड है तो 3 करोड़ रुपए पर एकड़। वेस्ट दिल्ली या नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो 3 करोड़ रुपए पर एकड़। ये जो अमाउंट दिया हुआ है ये करोड़ में है। ठीक है, साउथ वेस्ट दिल्ली में यदि आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो ग्रीन बेल्ट 3 करोड़ पर एकड़, अर्बनाइज 4 करोड़ पर एकड़, रूरल 3 करोड़ पर एकड़। सेंट्रल दिल्ली में कोई ग्रीन बेल्ट है ही नहीं, अर्बनाइज 2.5 करोड़, रूरल 2.5 करोड़। साउथ ईस्ट दिल्ली में ग्रीन बेल्ट कोई है ही नहीं और अर्बनाइज जो है 4 करोड़ रुपए पर एकड़ और रूरल जो है 2.5 करोड़ रुपए पर एकड़। सादरा डिस्ट्रिक्ट में 2 करोड़ 25 लाख पर एकड़। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिल्ली में कोई है ही नहीं यहाँ पे,
अर्बनाइज जो है 2,25,00,000, रूरल जो है 2,25,00,000। फ्रेंड्स एग्रीकल्चर लैंड में जो इंक्रीमेंट जो प्रपोज्ड है, यदि वो इंक्रीमेंट इम्प्लीमेंट हो जाती है, यानी कि एलजी की मंजूरी के बाद यदि ये सर्कल रेट इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। फ्रेंड्स सबसे पहले तो लैंड पूलिंग पॉलिसी की बात कर लेते हैं। डीडीए की जो लैंड पूलिंग पॉलिसी चल रही है उसमें डीडीए यदि किसी भी किसान की ज़मीन एक्वायर करती है तो उसको जो बढ़ा हुआ सर्कल रेट रहेगा उसके हिसाब से डीडीए को उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे फार्मर्स के लिए तो फ़ायदा है ही। दूसरी चीज़, डीडीए यदि महंगे रेट पे ज़मीन एक्वायर करती है तो उस पर कोई फ्लैट बनाती है, कोई जो भी चीज़ बनाती है, रेजिडेंशियल या किसी भी तरह का फ्लैट या कुछ भी बनाती है, तो वह भी महंगा हो जाएगा। यानी कि डीडीए यदि फ्लैट बना के घर बना के बेचती है तो वह घर की कीमत उस फ्लैट की कीमत भी बढ़ी हुई रहेगी। तो इसका इफेक्ट ये आएगा कि किसानों को फ़ायदा रहेगा, जहां आम आदमी को जब घर खरीदेगा तो उसको वहां पे ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये थे एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर करने के एक दो फ़ायदे एक दो नुकसान। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।